अच्छा, आपने चूंकि टाइमिंग की बात की, कामरान साहब ये सारे टाइमिंग की बात कर रहे हैं, अब आपने कहा कि जी मीडिएशन करनी, लेट्स कम बैक टू दैट, क्या मीडिएशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार होंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, और हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उनका एक वर्कर जो है ये इसके लिए दस बदस जाने के लिए उनके पास तैयार हूँ। अगर जो है ना वो गवर्नमेंट और पीटीआई के दोस्त जो है ना वो अगर ये चाहें तो मौलाना बीच में मेरा ख्याल है कि आ जाएंगे। मैं उन मिन्नत करके वालों में मैं खुद भी शामिल हूँ, क्योंकि हालात बिगड़। बैरिस्टर दानियाल साहब, जहां हम बैठे हैं वहां पे तो बिल्कुल एक मैदान जंग बना हुआ है। जो कामरान साहब कह रहे हैं कि मीडिएशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो जाएंगे, हुकूमत इस वक्त उनका खैर मकदम करेगी, आर यू इवन लुकिंग फॉर अ मीडिएशन और इज इट जस्ट गोइंग टू बी ब्रूट फोर्स? देखें, जहाँ आप बैठी हैं उससे कुछ ही दूर हम भी बैठे हुए हैं और हम ये मनाजर सुबह से देख रहे हैं। ये मीडिएशन आपको मल्टीपल बैकडोर चैनल से मीडिएशन हुई है और मीडिएशन होकर चीज़ें फाइनलाइज हुई है। फाइनलाइज होने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि ये विजिट सबोटाज नहीं किया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था कि ये जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं वहाँ ये बैठेंगे। हमने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप कोई यूज़ ऑफ फोर्स पावर नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और ये लोग जो हैं इन्होंने एग्री कर दिया। वंस द गवर्नमेंट टुक अ स्टेप बैक, इन्होंने तमाम वादों को फिर पीछे छोड़ा, यानी कि इन्होंने वादा कर लिया था सिंगजानी के पॉइंट पे यही आके बैठेंगे, राइट? इन्होंने अग्री कर उसके बाद इन्होंने रेंजर्स के अहलकारों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। अग्री करने के बाद इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उनके यूनिफॉर्म्स फाड़े, अड्डों को जलाया, उनकी चीज़ों को, अमलात को। यहाँ मल्टीपल लोग जो मैं पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जो इंजर्ड हैं वो इंजर्ड हैं, और इन्होंने अपनी चीज़ों के ऊपर अग्री करके बैक ट्रैक किया है। आप ऐसे लोगों के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो बीबी बैठी हुई हैं कि इनकी पूरी जमात जो है वो इस चीज़ में जो अग्री नहीं करी कि हम चढ़ दौड़ें और करें। मतलब आपको एक पॉइंट दिया गया था, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आपने बेलारूस के जो हेड आया हुआ है और आपने उसके विजिट को सबोटाज करने के ऊपर लगे हुए हैं, आप डी चौक कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए, आपने क्या किया? इसके बाद तो फिर यही हो सकता है कि अगर इनको छोड़ दिया जाए कि वो उसके ऊपर हमला करके उसको टेक ओवर कर ले। इसके बाद तो कोई जगह गवर्नर की गुंजाइश रहती नहीं। इनको पीछे धकेला गया है और अभी भी सिर्फ आंसू गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं कि इनको पीछे रखा जाए कि आप इतना इंपॉर्टेंट विजिट को ये किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, इनकी स्ट्रिंग्स किसके पास है, दैट टाइम विल टेल। लेकिन जो ये कर रहे हैं ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से कर रहे हैं, मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत